कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर देंगे जितनी जल्दी से होता। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। मेरी किसी से भी ये गुहार है कि मेरे उनको आज कहीं से भी कैसे करके ढूंढ के उनको बस हमारे हवाले कर देंगे। जिंदा मुर्दा कैसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे पर हमारे हवाले कर दो उनको जितनी जल्दी से होता। हम 3 दिन से उनका वेट कर रहे हैं। सबसे बड़े थे 65 के थे, मेरे जीजे थे। मेरी सिस्टर जो थी वो 54 के थे। बेटा उनका 34 का था, बहू उनकी 32 की थी, बड़ी बेटी 8 साल की, बीच वाली 4 साल की, छोटी 1.5 साल की। अभी लगभग जो हमारा आंकड़ा है, जो लोकल लोगों से कुछ कंफर्म हुआ है, उसके हिसाब से 21 के आसपास ये बताया जा रहा है कि 21 के आसपास यहाँ पे बॉडीज़ हो सकती हैं, जिसमें से जो 12 बॉडीज़ हैं वो हमने पिछले जो 2 दिनों में रिकवर की है। तो अभी हमारा ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ हमें इसमें बॉडीज़ मिलेंगी या जो कुछ लोग मिलेंगे जिनको हम अच्छे से रेस्क्यू कर पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है, हम पूरी तरह से जो अपनी टीम्स हैं जिसमें हमारे NDRF के लोग हैं, SDRF के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, यहाँ पे लोकल पुलिस है, होम गार्ड है, उन सभी की सहायता से जो है ये सारा कार्य किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हमें ऐसा मिलता है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है कि कुछ लोग इसमें मतलब जो जिंदा पाए जाते हैं, तो हम अच्छे से उनको रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब ये जब हमारा पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद ही कुछ इसमें कहा जा सकता है कि क्या पॉसिबिलिटीज निकल के आती है। जो प्रशासन की ओर से हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ पर कुल 21 विक्टिम होने के प्रमाण मिले हुए हैं, और उसके हिसाब से 21 हैं, एक दो लोग और उसमें हो सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि कल 12 डेड बॉडीज कल तक मिल चुकी थी, आज एक और अभी जस्ट मिला है, तो कुल इस तरह से मिला के 13 डेड बॉडीज हमने यहां से रिट्रीव कर लिया है अभी तक। किस तरह का सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर? हम देख रहे हैं मैन एंड मशीन डिप्लॉयड है, NDRF के जितने लोग हैं, बाकी कौन कौन है? NDRF के अलावा यहाँ पर SDRF, लोकल पुलिस, आर्मी के जवान और होमगार्ड्स के लोग हैं, और सभी लोग मिलके सर्च अभियान में शामिल हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं अदर देन जो हैवी मशीनरी है, तो इस तरह से एक साथ साझा कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर सुबह 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए थे, हमें 12 बॉडीज मिल गई, आज एक फीमेल बॉडी और मिली है जिसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। जी, क्या कितने किस तरह का डिप्लॉयमेंट है? इसमें सारी स्पेशलाइज फोर्सेस, आर्मी, NDRF, SDRF, हिमाचल पुलिस, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लोकल लोगों की मदद भी ले रहे हैं।